साइबर अपराधी लोगों को चूना लगाने के लिए नया नया तरीका अपना रहे हैं। पहले बैंक खाता बंद होने के नाम पर मैसेज और कॉल कर लोगों के खाते से पैसा उड़ाते थे, तो अब यह ट्रेंड पुराना हो गया। आजकल साइबर अपराधी लोगों को ट्रैफिक चालान के नाम का मैसेज कर ठगी का शिकार बना रहे हैं। झारखंड में अब ट्रैफिक चालान के नाम पर ठगी शुरू हो गई। जैसे ही आपके फोन में चालान का मैसेज आता है तो आप जल्दबाजी कर उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। बिना जांचे परखे लिंक पर क्लिक करना आपको महंगा पड़ सकता है। इस मामले पर रांची के सिटी SP अंशुमन कुमार ने लोगों से अपील की है कि कोई भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे अच्छे तरीके से जांच ले और परख ले, उसके बाद ही लिंक पर क्लिक करें। अगर इस प्रकार का कोई भी मैसेज चाहे SMS के माध्यम से या WhatsApp के माध्यम से आता है और साथ में उसमें कोई लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर कतई भी क्लिक ना करें। अगर आपको लगता है कि ये फ्रॉड है, ठीक है, अगर आपको कभी भी ट्रैफिक के उल्लंघन में नहीं रोका गया और उसके बावजूद आया है, तो आप हमारे जो कंसर्न ऑफिस है वहाँ पर आकर पता कर सकते हैं कि ये जो मैसेज आया है वो सही है या गलत, वो चेक करके आपको बता देगा। लेकिन किसी भी हालत में ना किसी को पैसे देने की ज़रूरत है, ना ही किसी लिंक पे क्लिक करने की ज़रूरत है। हमारा ऑफिस जो है इसी सब चीज़ों के लिए खुला हुआ है, जो कि हमारे मेरे SP ट्रैफिक के ऑफिस के बगल में ही हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक बना के रखा है, जहाँ पर आप आकर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साइबर अपराधियों का अब नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जो अब तक कई लोगों को शिकार बना चुका है। आजकल कौन बनेगा करोड़पति के जरिए भी पैसे जीतने को लेकर मैसेज आता है या फिर ट्रैफिक चालान का, इन सब तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। आपकी जागरूकता ही ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेज सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ 4, रांची।